प्लांट में फ्लावरिंग के लिए डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसके कारण प्लांट में कुछ फ्लोरोजिन हार्मोन्स बनते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन्स बनते हैं जो उसमें फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं, इसे हम फोटोपीरियडिज्म कहेंगे। अब बहुत छोटा सा पार्ट है, लाइट ड्यूरेशन जरूरी है या डार्क ड्यूरेशन जरूरी है? प्लांट के लिए फोटो मतलब फ्लावरिंग के लिए लाइट ज़्यादा जरूरी है या डार्क ज़्यादा जरूरी है? तो जवाब होगा कि कहीं डार्क और कहीं लाइट। जो शॉर्ट डे प्लांट है उनके लिए रात ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट डे कहने को शॉर्ट डे है, नाम शॉर्ट डे प्लांट है बट उसके लिए नाइट ज़्यादा एसेंशियल है, और जो लॉन्ग डे उनके लिए डे ज़्यादा एसेंशियल है। यानी कि आप यूँ कहिए कि प्लांट को हमेशा फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन लंबा वाला ही चाहिए। बस शॉर्ट डे के लिए लंबा ड्यूरेशन कौन है? लॉन्ग नाइट। और लॉन्ग डे के लिए लंबा ड्यूरेशन कौन है? लॉन्ग डे। तो एक्चुअली शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर लॉन्ग नाइट, और लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर लॉन्ग डे। लेकिन एक ही तरह से बोलने के लिए कन्वीनियंट रहे इसलिए कह दिया कि शॉर्ट डे और लॉन्ग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्लांट में दो एक पिगमेंट है, नाम है फाइटोक्रोम, और फाइटोक्रोम दो फॉर्म में पाया जाता है, पी आर पी एफ आर, दोनों इंटरकन्वर्टेबल है। जैसे दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध नहीं बनेगा, पानी से बर्फ बन जाएगी और बर्फ से पानी बन जाएगा, इंटरकन्वर्टेबल है पानी और बर्फ की तरह। पी आर और पी एफ आर, पी आर मीन्स ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जहां भी रेड लाइट मिली तो पी आर चेंज इनटू पी एफ आर, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पी आर पिगमेंट एब्जॉर्ब्स एंड कन्वर्ट इनटू दिन में है, या तो दिन में पी आर चेंज का पी एफ आर बनेगा, तो दिन में प्लांट में कौन सा पिगमेंट ज्यादा रहेगा? पी एफ आर ज्यादा रहेगा, यही तो होना चाहिए ना, पी आर एब्जॉर्ब रेड लाइट कन्वर्ट पी एफ आर, तो दिन में क्या ज्यादा? पी एफ आर, और पी एफ आर दिन में ज्यादा रहेगा, प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। जितना लंबा होगा दिन उतना पी एफ आर ज़्यादा होगा, और जितना पी एफ आर ज़्यादा होगा उतना ही लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो लॉन्ग डे में अधिक पी एफ आर होगा और फ्लावरिंग। तो दो चीज़ें, रेड लाइट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट कह सकते हो, या पिगमेंट पी एफ आर प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो अब रेड लाइट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट बोलोगे, या पी एफ आर के कारण लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है? दोनों एक आंसर लगाना क्या लगाओ, तब कहो पी एफ आर के कारण है। जितना पी एफ आर होगा लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। समझ में आ गई बात? कोई डाउट कहें? अब मान लिया शाम हो गई, तो शाम तक आते आते प्लांट में पीएफआर खूब है। अब रात में शाम के बाद रेड लाइट तो खत्म हो गई, अब फॉर रेड लाइट या लिव नाइट पीएफआर कन्वर्ट टू द पीआर। अब जितनी लंबी नाइट होगी उतना पी आर ज्यादा होगा, जितनी लंबी नाइट होगी उतना पी आर ज्यादा होगा,
और ऐसी जगह जिसमें लंबी नाइट हो तो पीआर ज्यादा है, और तो फ्लावरिंग हो रही है तो क्या करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, बट दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट। तो क्वेश्चन ये हो, शॉर्ट डे प्लांट कब फ्लावरिंग करेगा, जब पीआर ज्यादा। लेकिन लॉन्ग नाइट ही जरूरी नहीं है, एक शब्द और जुड़ेगा, लॉन्ग कंटिन्यूअस नाइट, कंटिन्यूअस लॉन्ग नाइट। अब इसका मेरे साथ मीनिंग है, कंटिन्यूअस लॉन्ग नाइट क्यों लोगों ने कहा, मतलब नाइट भी चाहिए रिंग कैसे चाहिए, कंटिन्यूअस क्यों कहा। जैसे ही रात शुरू होगी पीएफआर किस में बदलने लगेगा, पीआर में। और रात को 12 बजे आपने प्लांट को रेड लाइट दे दी, ईर्ष्यावश, पड़ोसी का पेड़ है ये, है रेड लाइट दे दी, जाके वो तो सो रहा है। अब क्या होगा, रात में पीआर कन्वर्ट टू पीएफआर, बना बनाया खेल बिगड़ गया। अब सुबह हुए तो पीआर की मात्रा उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, दोबारा उसे वही काम करना पड़ा। अब तुमने तो थोड़ी देर गए, आधे घंटे लाइट देकर चले या 20 मिनट, तो शॉर्ट डे प्लान के लिए पहली चीज क्या जरूरी है, लॉन्ग नाइट, वो भी कंटिन्यूअस लॉन्ग नाइट। ठीक है ना, कंटिन्यूअस। क्लियर हुई बात, ये रहा मेरा खेल, हो गया काम खत्म। समझ लो कितने ही हैं, है ना। अब ये फिगर बनाया था मैंने, देखो किसके लिए है और ये किसके लिए है। और सुनो, लॉन्ग डे प्लान डे, दिन लंबा कर दिया हमने, 8 घंटे की हमने रात दिया, 16 घंटे का दिन दिया। और शॉर्ट डे प्लान के लिए 8 घंटे का दिन दिया, 16 घंटे का। अब अगर हम इसे रात में इंटरप्ट कर दें बीच में, हमने सुनो शॉर्ट डे प्लान, सोचता हूं दिन था सुबह, सुबह प्लान में क्या ज्यादा होगा, पीआर, लाइट ले लिया, पीएफआर बदलना शुरू हुआ, 8 घंटे में पीएफआर जितना भी बना, रात शुरू हो गई, लंबी रात है, पीआर की मात्रा जाता है। इतना समझ में आ गया, आपने यहां पर इसे इंटरप्ट कर दिया तो पीआर चेंज इनटू पीएफआर, तो अब क्यों इतनी दूर का ही पीएफआर माना जाएगा, मतलब पीआर माना जाएगा, तो पीआर की मात्रा घट गई, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक, क्लियर हो गया बात। लेकिन अगर हम सुबह सुबह यहां पर इंटरप्ट करें तब क्या फर्क पड़ेगा, तब आप कहोगे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्यों इतना पीआर कंटिन्यूअस बन चुका है, उसमें कंटिन्यूअस पीआर की मात्रा चाहिए। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग होने से पहले ब्रेक करोगे घंटे 2 घंटे, तो कोई ज्यादा असर नहीं होगा, और ना ही इसको बढ़ा दो तो असर होगा, बीच में ही असर होने वाला है। एक ड्यूरेशन कहा गया था, पीरियड मिनिमम और पीरियड मैक्सिमम के बीच, उसे क्रिटिकल पीरियड ऑफ फ्लावरिंग कहते हैं। फोटोपीरियोडिज्म के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है, क्या होता है बोलो, क्रिटिकल पीरियड होता है, यहां शायद लिखा हो, चलो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, चलो मिल जाएगा अभी, इस करेक्ट। तो क्रिटिकल पीरियड अगर आपको मिल गया तो फ्लावरिंग हो जाएगी, क्लियर। लॉन्ग डे शॉर्ट डे ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट किसने दिया, फोटोपीरियोडिज्म को बेटा गार्नर और एलॉर्ड ने बताया, ठीक, GARNER, गार्नर एंड एलॉर्ड ने बताया, डिस्कवर्ड कह सकते हो।
फुट पीरियड डिस्कवर्ड बाई एंड टर्म बाई, डिस्कवर्ड भी किया और टर्म भी दिया, गार्डनर एंड आर्नोल्ड क्या लिखते हैं, डिस्कवर भी दिया और टर्म भी दिया, ठीक, फोटो पीरियडिज्म। रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड इनिशिएट फ्लावरिंग। सम प्लांट रिक्वायर्स पीरियडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, वही चीज है, पीरियडिक एक्सपोजर, ठीक। तो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क फॉर फ्लावरिंग ये कह सकते हो, रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड बोलो डार्क फॉर फ्लावरिंग, बस ये भी हो सकता है, रिस्पॉन्स हो गया, फोटो पीरियडिज्म कहलाएगा। इतना पॉइंट हो गया। किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया गया, टोबैको प्लांट की मैरीलैंड मैमोंथ वैरायटी, किस प्लांट को बोलो, टोबैको प्लांट की मैरीलैंड मैमोंथ वैरायटी एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया, मैरीलैंड मैमोंथ वैरायटी, ठीक। ये दो क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन और बड़ा दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये देखो, सॉर्डे प्लांट को बेटा यहां इंटरप्रेट किया, तो पी आर जो बना था किसमें चेंज होगा, पी एफ आर, फिर पी एफ आर यहां बना, तो ये क्या हुआ, मात्रा यहाँ क्या रही बोलो, कम हो गई, तो नो फ्लावरिंग, यस। तो क्या चाहिए था, कंटिन्यूअस डार्क चाहिए शॉर्ट डे प्लांट के लिए, ये शॉर्ट डे प्लांट को हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट कहना ज्यादा उचित होगा, 15.5 घंटे से कम होने पर, अरे 15.5 घंटे, ठीक, जेंथियम के लिए, लॉन्ग डे प्लांट के लिए 11 घंटे से अधिक की लाइफ चाहिए, 11 घंटे मोर देन दिस, लॉन्ग डे प्लांट के लिए बेटा कम से कम 11 घंटे लाइफ चाहिए, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा क्रिटिकल पीरियड्स मिनिमम मैक्सिमम दो। अब इसे रीड, इट इज आल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, से ज्यादा हो जाए नहीं, व्हाइल अदर मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल पीरियड से कम पे दे दे फ्लावरिंग बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम। तो ध्यान रखना, लाइट कब चाहिए, फ्लावरिंग के शुरू होने से पहले, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट इनिशिएट द फ्लावरिंग, यानी फ्लावर आने के बाद दे दो, ना ना ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट
इनिशिएट द फ्लड, यानी जैसे हमने कहा कि हमने डहलिया का प्लांट लगा दिया, ठीक है ना, इस समय कौन सा दिन वो ले रहा है, शॉर्ट डे कंडीशन, करेक्ट, ये उसकी वेजिटेटिव फेज है, शॉर्ट डे, करेक्ट ना, और इस ड्यूरेशन के बाद वो फ्लावरिंग करेगा तो शॉर्ट डे प्लांट हो गया। चलिए द फार्मर ग्रुप पहला जिसमें क्रिटिकल से ज्यादा चाहिए वो लो लॉन्ग डे प्लांट, और क्रिटिकल से कम चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, देयर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन टू डे न्यूट्रल, 5 घंटे से 24 घंटे के बीच कभी भी फ्लावरिंग हो जाए क्या कहलाएंगे, डे न्यूट्रल। इस फिगर को देख के बताओ ये क्या कह रहा है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए लिखा है, क्रिटिकल पीरियड से नीचे फ्लावरिंग दोगे, क्रिटिकल पीरियड से कम पीरियड दोगे फ्लावर बना, अनुष्का फिगर दिख रहा है, 2 फिगर हैं ये, प्लांट कौन सा है, दिस प्लांट इज लॉन्ग डे प्लांट, दिस प्लांट इज लॉन्ग डे प्लांट, ये पूरे दोनों प्लांट लॉन्ग डे, बट ये लाइन खींची है, इसके नीचे वाला क्रिटिकल पूर्व पीरियड से कम नो फ्लावर, क्रिटिकल फोर पीरियड से ज्यादा फ्लावर, बोलो भाई। तो लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल फोर पीरियड 11 घंटे से कम फ्लावरिंग नहीं, तो यहां लिख सकते हो क्रिटिकल फोर पीरियड क्या लिखा, 11 घंटे से कम पर नो फ्लावर, और यहां पर 11 घंटे से अधिक पर, बोलो बेटा किसी के से समझना चित्र, ऊपर और कौन सा प्लांट है, नीचे वाला कौन सा है, हाँ नीचे किस कंडीशन रखा है, शॉर्ट डे कंडीशन, ऊपर तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली शॉर्ट डे कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये क्या है, लॉन्ग डे कंडीशन में लॉन्ग डे कंडीशन में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा, एक एक्सपेरिमेंट ये है दूसरा ये, बोलो बच्चों फिगर समझ गए। अब वो फिगर इसे बना दिया, ये हटा दिया, लिखा है नो फ्लावरिंग, लिखा है फ्लावरिंग, ये बना भी रहने दिया, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, बट इज ए लॉन्ग डे कंडीशन फॉर शॉर्ट डे प्लान, जो भी लिख दे शॉर्ट डे कंडीशन फॉर लॉन्ग डे प्लान, ये आपको समझना है कि क्या काम है। देन यस सर, हाँ ये 24 घंटे बेटा, ये बड़ी कंडीशन दिख रही जैसे हमने वहां बनाया उसी को सोचकर यहां लगा, ओके ये बोलो क्या दिख रहा है, शॉर्ट डे प्लान, क्रिटिकल पीरियड से कम समय पर फ्लावरिंग हो जाएगी, क्रिटिकल समय से ज्यादा दे दोगे तो फ्लावरिंग नहीं, बस। तो शॉर्ट डे प्लान में
अगर लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट करें बीच में तो फ्लावरिंग नहीं, तो इसमें लिखना जरूरी है क्या? नहीं, जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ पर आप मान कर चलो, जरूरत हो तो बता दें, लिख दें भाई। क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में फ्लावरिंग हो जाएगी, क्रिटिकल फोटो पीरियड से बोलो कम समय लाइट देने पर फ्लावरिंग लिख क्यों दिया? महीने बर्बाद फिगर उठाया, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था, अब समझ में आ गया, एक झटके में दिख जाएगा। ऊपर क्या लिखोगे? क्रिटिकल पीरियड से अधिक लाइट देने पर फ्लावरिंग नहीं होगी, क्रिटिकल पीरियड से, ठीक, क्रिटिकल पीरियड से अधिक लाइट देने पर फ्लावरिंग बोलो बस ये हो गया। ये वहां से कौन से तीसरे वाले? पांच घंटे दो चाहे चौबीस घंटे दो, तैयार है, निर्लज हमेशा खड़े रहते, तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल यार किताब में दिए नहीं है, लेकिन हाई साइमनस स्पाइनिश और बीटा वल्गेरिस लिखा हुआ है, जेंथियम टोबैको और ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन है, ग्लाइसिन का मतलब ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन को कहते हैं, ये हो गया। टोमेटो कैप्सिकम और जिया मेज मक्का है, ये डेनवेटर प्लांट्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको, इसके अलावा भी चार कैटेगरीज होते हैं, इसके अलावा कौन सी कैटेगरी हैं? तीन ये हैं, चार कैटेगरी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ लिखा था शॉर्ट डेट की और फॉरेन लाइट की, लिखी देखिए, हाँ बोलो। पी आर पिगमेंट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ 660 और पी एफ आर एब्जॉर्ब 730, ये भी कह सकते हो आप, करेक्ट। चलो इतना यहाँ रखिए, मुझे लगता है और एक चीज और आती है, देखो अगले पेज पे चलो, मिलेगा तो देंगे नहीं तो छोड़ेंगे। हाँ यहाँ है, इस पर आ जाओ बेटा, इस फिगर को देख रहे हो, मुझे लगता है सबको पता होगा, ठीक, किसको छोड़कर? क्यों रितिका, किसको छोड़कर? हाँ तुम्हारे लिए हम ये समझा दे रहे हैं फिर से, और इस फिगर को फिर से बता देते हैं। क्या बनाया था हम सब ने यहाँ पर, आइए बताते हैं। ये कौन सा रीजन है बेटा? समिट। ये फ्लॉन्ग, फ्लॉन्ग रीजन ने क्या बनाया है? लीफ प्राइमोर्डिया। ये समिट रीजन, ये फ्लॉन्ग, दोनों टिश्यू मेरिस्मेटिक। समिट रीजन ने आगे ग्रोथ किया, डिवीजन से फ्लॉन्ग बनाया, फ्लॉन्ग से नया लीफ प्राइमोर्डिया बना, ठीक। ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला उससे बड़ा हो गया, यस। हाँ किसी क्या नहीं है, अरे पांच छह लोग दिखाने हैं, सबसे पूछ लो होगा। नहीं हो तो गेंद छोटा यार, फूल वाला कभी नहीं लगाते।
इतना बड़ा लगाओ तब अच्छा लगता है पेड़ के, कोई बड़ा होता देखो उसे, बोलो ठीक। अब ये लीव प्राइमोर्डिया पहला था बेटा, ये दूसरा ये पुराना हो गया, ये कौन सा रीजन है समिट, ये क्या है फ्लॉन्ग, ये वेजिटेटिव ग्रोथ है। रिप्रोडक्टिव कब होगी इस पर, अब आप इसी वेजिटेटिव पर बेटा क्या पढ़ रहे हैं, सूरज की किरण, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो अभी आपने पढ़ा, टाइम पीरियड, इसमें इंड्यूस हुआ अंदर, पहले एक्सटर्नल फैक्टर ने इस पर प्रभावित किया लाइट, और टेम्परेचर भी है ध्यान रखना, अभी वर्णलेशन आगे पढ़ेंगे, लाइट और टेम्परेचर कैसे फैक्टर हैं, एक्सटर्नल जिसने इन सेल्स को इंड्यूस किया, क्या क्या उसका इंड्यूस किया, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, अंदर हार्मोनल चेंज हुए, वैसे समिट रीजन ने अपना रूप बदल दिया, अब फ्लॉन्ग ने भी रूप बदल दिया। समिट रीजन ने क्या बनाया आओ बताते हैं, समिट रीजन ने अपना जब रूप बदला तो समिट रीजन ने बनाया स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी के साथ स्टेमिन, मतलब समिट रीजन की सेल्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेमेंस एंड कार्पेल, एंड द फ्लॉन्ग रीजन की सेल्स बोलो डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। तो पहले कौन सा फैक्टर आया इस सूट टिप पर, लाइट और टेम्परेचर, फिर इंटरनल चेंज हुए हार्मोन्स, फ्लोरोजिन हार्मोन्स कहते हैं, वो लंबा खेल से यहाँ पे पढ़ना नहीं हम लोग, उन फ्लोरोजिन हार्मोन्स में ही फाइटोक्रोम्स भी शामिल है, फाइटोक्रोम का कॉन्सेप्ट अलग है और फ्लोरोजिन हार्मोन का अलग है, ठीक। यहाँ ना फाइटोक्रोम पढ़ाया गया ना फ्लोरोजिन बताया गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा समझने के। उस हार्मोन ने बेटा इस फ्लॉन्ग रीजन की सेल से कहा आगे डिफरेंशिएट टू कैलिक्स एंड कोरोला एंड समिट रीजन फ्लावर बन गया, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक गई। तो पहले कौन सी ग्रोथ होती है आयुषी, वेजिटेटिव ग्रोथ, दिस इज बोलो वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड दिस इज बोलो रिप्रोडक्टिव। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फ्लावर के बाद बेटा हमेशा ही ग्रोथ स्टॉप्स, किसी भी डाल पर फ्लावर देखो खत्म ग्रोथ, फ्लावर बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, वो गिर जाएगा, अगर वो बहुवर्षीय पौधा है तो फिर से वो आगे बढ़ेगा, ठीक। क्या वो टिप बढ़ेगी, नहीं भैया वो तो टूट ही गई है फल के साथ, एक्सिलरी बड कहीं से निकलेगी, रेसिमोज में कैसे कह सकते हैं, चलो मानते हैं आपको वही समझा देते हैं, रेसिमोज में स्टेम ही चल रहा है, यहाँ फ्लावर निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, आगे वेजिटेटिव थोड़ी आएगी, टूट जाएगी वो ब्रांच खत्म हो गई, हाँ दूसरी ब्रांच ही आएगी अगले साल अगल बगल से, ठीक है, क्योंकि ये फ्लावर इसको ये ब्रांच निकली, ये फ्लावर आया, इसका मतलब क्या है, ये तो ईस्ट मेन एक्सिस थी, यहाँ से फ्लावर आया, इसने फ्रूट बनाया, काम खत्म हो गया, खत्म होकर चला गया, क्लियर हो गई बात, ये रहा हमारा। अब ये हमने यहाँ पर फ्लोरोजिन हार्मोन्स ये कौन से हमने एक स्टेप, चलो ये भी एक ही बात तो हो गई यार, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें टाला जा सकता उसको, अच्छा नहीं टालेंगे, अच्छा हम देखते ही नहीं क्या बना है, अच्छी बात है, अच्छी बात, बात बिल्कुल सही, अच्छी बात, क्योंकि ना देखो तो दिमाग में जो बता दो
है, तो लिखा होता तो शायद वहीं पर रह जाए। ठीक, दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट डे के लिए तो डार्क पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इज सर्टेन फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। रिलेटिव समझे ना, एक दूसरे से रिलेशन। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ ए डे नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। अब ये लिखा है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल शूट एपिक्स मॉडिफाइड देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपिक्स। ये शूट एपिक्स मॉडिफाइड इनटू फ्लावरिंग एपिक्स। प्रायर टू फ्लावरिंग, देखो फ्लावरिंग से पहले किसके प्रभाव से, लाइट और टेम्परेचर। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। द साइट ऑफ परसेप्शन लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। जो परसेप्शन रिसीव करते हो कौन बेटा है, लीव्स है। तो लीव्स का फिगर यहां बनना चाहिए। ये इसका मतलब है, ये है ना, लीव्स रिसीव्स क्या चीज, रिसीव लाइट, लीव्स तो ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट रिसीव करता है, तो क्या लगाओ बेटा, लीव्स लाइट परसेप्शन रिसीव करते हैं। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। फ्लोरोजिन हार्मोन ने लिखा ऊपर, दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपेक्स। ये वाला पॉइंट, यहां से हार्मोन ऐसे जाएगा। For inducing flowering, only when the plants are exposed to a necessary inductive photo period, और necessary inductive photo period के लिए लिखा salvia के लिए, zinthium के लिए, anthem के लिए कितनी cycle चाहिए। ये point थोड़ा सा बेटा, इंडक्टिव पीरियड को हम थोड़ा सा बढ़ाना जा रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दे रहे हैं। इंडक्टिव पीरियड अलग अलग प्लांट के अलग है बेटा, इंडक्टिव पीरियड बेटा अलग अलग प्लांट के अलग अलग है। लेकिन एक चीज और दी हुई है, जेंथियम को अगर एक दिन का शॉर्ट ड्यूरेशन भी दे दिया जाए तो 64 दिनों बाद फ्लावरिंग कर ही देगा। लेकिन अगर जेंथियम को 4 दिनों का या 8 दिन का शॉर्ट डे पीरियड इंड्यूस कर दिया जाए तो वो 34 दिनों में फ्लावरिंग कर देगा। लेकिन अगर जेंथियम को कंटिन्यूअस शॉर्ट डे कंडीशन दी जाए तो वो 13 दिनों में फ्लावरिंग कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन को फिर समझना। Only when the plants are exposed to the necessary inductive photo period. मतलब जेंथियम का एक प्लांट है, उसको हमने बोलो एक इंडक्शन दिया, एक दिन के लिए appropriate short और long कंडीशन दी बस, या 4 से 8 दिनों का इंडक्शन दिया, या बोलो
कंटिन्यूअस इंडक्शन दिया, बताओ कब फ्लावरिंग करेगा? तीनों में करेगा, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम अलग अलग होंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि आप 24 घंटे में एक घंटे की क्लास पढ़ते हो, पूरा सिलेबस नहीं होता। और घर में भी नहीं पढ़ते हो तो सिलेक्शन के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 4 से 8 घंटे की क्लास पढ़ते हो, थोड़ा सा समय कम लगेगा, 4 साल में हो जाएगा। अब कंटिन्यूस केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देते हो, इसी साल इंडक्शन। ठीक, फ्लावर विल मैच्योर 64 डेज, इसमें 64 डे फॉर फ्लावरिंग लग सकता है, इसमें 34 से 18 डे लग सकता है, इसमें 13 डेज में फ्लावर बन जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो ये जो शब्द बहुत छोटा सा लिखा है, देखो बेटा, ये उसका मायने कहीं ना कहीं होता है, और हम लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम रीतिका कहाँ पढ़ते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं। सही बता रहे हैं, किसी भी नोट से मगर इतनी बात लिख दी जाएगी तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। किताब को देख करके लिखोगे लगे है तो यार, भले में एग्जाम्पल ना पढ़ें बट हम मीनिंग्स तो क्लियर कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बस ठीक, एक चीज और यहां पर देना था, ये एक्सपेरिमेंट है जो इससे लिखा है, परसेप्शन वाले अनुष्का, इसमें पत्तियां हैं कि नहीं है, इसमें पत्तियां हैं कि नहीं है। लाइट दिया, ये क्या है, डिफोलिएटेड लीफ है, डिफोलिएटेड है, जिसमें लीफ है उसमें फ्लावरिंग, जिसमें नहीं उसमें नहीं, क्यों? लीफ रिसीव्स फोटोपीरियोडिक परसेप्शन कथम। अब बेटा यहां क्या है, एक प्लांट है जिसमें पत्ती है एक, फ्लावर बन गया, सन है ये, प्लांट है, प्लांट ए है, लीफ है, एक ही लीफ है, फ्लावर बन जाएगा। और अगर इसको दूसरे से कनेक्ट कर दो आप तो दूसरे सभी में फ्लावर बन जाएगा, भले लीफ हो या ना हो। इंडक्शन है बेटा, ये करंट है, हमने करंट यहां पकड़ा फिर एक करंट है, समझ में आ गई बातें। तो ये भी एक इंडक्शन वाला पार्ट है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है हमारे, इनको भी बना लेना। तो डिफोलिएटेड प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, डिफोलिएटेड प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, एक भी लीफ होगी तो फ्लावरिंग हो जाएगी, पेड़ को पेड़ से कनेक्ट करेंगे तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी, ये एग्जाम्पल। इतना बहुत है बेटा। तो जो किताब की चीजें हैं मैं बिल्कुल सोचता हूँ उतनी बातें तो हम आपको अच्छे से बता, फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। शॉर्ट डे प्लांट को कौन सा पिगमेंट चाहिए, पी आर, लॉन्ग डे प्लांट को बेटा पी एफ आर। ऊपर एक दो पॉइंट में लिखना चाहूंगा इस जगह पर, ये फिर बना लिया था, लिखा तो है। पी आर कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, और पी एफ आर सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। पी आर ब्लू ग्रीन इन कलर, कैसा कलर इसका है, ये बेटा लाइट ग्रीन कलर का है। अगर पी आर पी एफ आर में कहा जाए तो कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है,
कौन एक्टिव है, बस ये बता, इतनी कह दिया गया, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, कौन एक्टिव है? इसे एक्टिव माना जाता है, इसे इनएक्टिव माना जाता है, क्यों भैया? क्यों? बात फोटो पीरियडिज्म की हो रही है, तो फोटो पीरियडिज्म में मतलब लाइट में कौन बनता है, दैट इज पी एफ आर, सो दिस इज द एक्टिव, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, एक्टिव इनएक्टिव पार्ट है बस। तो हम लोग क्या मानते हैं पी आर को बेटा? इनएक्टिव फॉर्म मानते हैं। फाइटोक्रोम का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? फाइटोक्रोम का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? फाइटो इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? ये हो गया क्लियर। चलो फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, फोटोपीरियडिज्म भी रेडी हो गई, चले आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, ये फिगर बहुत ध्यान से देखिएगा और लिखे जा सकते क्वेश्चन। हम लोग आ गए किसमें? वर्नेलाइजेशन। टीडी लाइसेंको ने बताया, टीडी लाइसेंको ने बताया, इसे स्पेगिजेशन भी कहते हैं, इसे जेरोविएशन भी कहते हैं, इसे बसंतीकरण कहा जाता है। हाँ, बसंत पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग वैरायटी। ये बेटा टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें दो बातें कही गई, बीज की दो वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी, ठीक। अब स्प्रिंग और विंटर तो समझ गए, स्प्रिंग का मतलब अभी जब बसंत ऋतु आएगी कब, फरवरी में, और विंटर अभी चल रहा है, सर्दी नहीं है, बात अलग है, चल तो रही है। कहाँ सर्दी है? शाम को टहलती हो, तुम निकलती हो घर से कै बजे? कल टहल नहीं तुम देता था, जहाँ तुम टहल नहीं तो क्वेश्चन ये हुआ बेटा कि एक स्प्रिंग वैरायटी है। अब सुनो, गेहूं की फसल कटेगी मई में, बस ध्यान रखो, गेहूं की फसल कटेगी मई में, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, बोलो मई में कटी, अप्रैल में खेतों में है, मार्च में खेतों में है, फरवरी में खेतों में है, फरवरी में बोया गया, मई में काट लिया गया, चार महीने खेतों में रहा, लेकिन फसल स्प्रिंग वैरायटी की कम हुई, फसल स्प्रिंग वैरायटी की कम हुई, एक सीजन में कट गया, ध्यान से सुनिएगा। अब ये वैरायटी कब बोई गई गेहूं की? जब खेत से आलू उखाड़ ली गई, मतलब किसानों ने खेत में अक्टूबर में आलू बो दिया, नवंबर दिसंबर जनवरी में खोद लिया, चार महीने में आलू निकाल आई, बेच लिया, खेत जोता, फरवरी में स्प्रिंग रेडी गेहूं की बो दिया, खेत से दो फसल ले लिया, मई के बाद जून में उसमें धान बो दिया, तो एक खेत में कितनी वैरायटी उगा, कितनी फसल, तीन फसल उगा लिया। लेकिन गेहूं की वैरायटी से उपज उसको कम मिली, किसे समझ में आई कहानी? बड़ी अजीब सी है, बड़ी अजीब सी कहानी हमने बताई आपको, जो फिर से बता रहे हैं, सुनना।
कितने महीने दे रहे हैं लोग? नहीं भाई, पूरे महीने दो, जनवरी से लेकर। और हम महीने दें कहाँ से शुरू करें बेहतर ढंग से? जनवरी से शुरू कर लो। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमने गेहूं काट लिया। मई के बाद बोलो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, हमने धान काट लिया अक्टूबर, ठीक, नवंबर, दिसंबर, सही है ना, जनवरी, हमने ये आलू बो दिया, एक महीना इधर उधर हो जाएगा, इसको इधर डाल लो। हाँ, चेंज कर लो थोड़ा सा, अब एग्जैक्ट हो गया। जुलाई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, अक्टूबर इधर कर दो, चार महीने। यहाँ क्या रहा खेत में? यहाँ क्या रहा खेत में? यहाँ क्या खेत में? एक सीजन में गेहूं हो गया, इसे हम लोग एनुअल प्लांट कहते हैं। अब दूसरी वैरायटी सुनना जरा, दूसरी वैरायटी आ रही है, ये स्प्रिंग वैरायटी थी, एनुअल थी, जनवरी से लेकर के मई तक का खेल था ये। दूसरी वैरायटी विंटर है। अगर विंटर वैरायटी को ध्यान सुनिए, वैरायटी विंटर है, अगर विंटर वैरायटी को आपने इसी तरह जनवरी में बोया, ध्यान से सुनिएगा, मई में इंतजार करते रहे, फूल ही नहीं आया, हाँ विंटर वैरायटी फूल नहीं आया, हम इंतजार करें फूल आ जाए, नहीं आया, लगा रहा पेड़, जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अगले साल मई में आया, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतने दिन खेत थोड़ी छोड़ेंगे हम, इसका मतलब ये वैरायटी गलत समय पे बोई गई, सही समय बोई जानी थी, तो बोई कब जानी थी, सवाल ये उठा, तो इसको बोया जाना था बेटा अक्टूबर में, जब अक्टूबर में से बोते, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये मई में काटते, तो भी ज्यादा समय लेता, दो सीजन ले लेता, यस या नो, दो सीजन ले लेता, ये वाला अक्टूबर से क्या ले लेता बेटा, ये आठ महीने, ये बाई एनुअल प्लान कहलाता, द्विवर्षीय पौधा, लेकिन इसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है, तो किसान सोचता है चलो यही बोल लिया जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा करना हो, इस बाई एनुअल प्लांट को एनुअल बनाकर बोना हो, तो खेत में समय कम बिताना पड़ेगा पौधे को, यस या नो, बस यही है वर्नलाइजेशन, कि बाइनुअल प्लांट जिसे अक्टूबर में बोया गया और मई में काटा जा रहा है, तो दो बाइनुअल हो गया ये, तो विंटर वैरायटी जो अक्टूबर में बो करके मई में काटी जा रही है, दो सीजन, तो बाइनुअल प्लांट हुआ, उपज अच्छी, किसान चाहता यही, तो उसने क्या पाया इस विंटर में, तो उसने देखा कि इस वैरायटी को दिसंबर जनवरी की सर्दी लगनी चाहिए, उसे ये सर्दी मिल जाएगी तो मई में फ्लावरिंग कर देगा, लेकिन जब हमने यहां बोया था कब, जनवरी में, तब उसको दिसंबर की सर्दी नहीं लगी, अब एवरेज निकाल लेना आप, कुछ 15-20 दिन अंदर है, नहीं लगी, तो फिर वो पूरा चल गया, इसलिए विंटर वैरायटी को अक्टूबर में ना बो, अक्टूबर में बो तो हो जाएगा ना, नहीं अक्टूबर में ना बो, अगर जनवरी बो तो साल नहीं आएगी,
हम सोच चार महीने में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, गलत हो जाएगा। हम क्या करें उसे जर्मनी बोकर मई में पालें, एनुअल बना लें। तो हमने उसे बीज को क्या किया, नमी दिया, लो टेम्परेचर पर रखा, तो उसके एम्ब्रियो उस टेम्परेचर पर रखने पर उसने रिसीव कर लिया। अब उसको यहां बो दिया तो हो गया। तो दिस ट्रीटमेंट इज नोन एज वन लेसन ट्रीटमेंट। तो बाइनोल को क्या बदल दिया, बस इतनी सी कहानी है। तो वीट की कितनी वैरायटी है, दो। एक कौन सी है, एनुअल, कब बोई गई, जनवरी फरवरी में, इसे क्या कहते हैं स्प्रिंग, मई में काटी गई। दूसरी अक्टूबर में बोई गई, मई में काटी गई। तो एक एनुअल है, एक बायनुअल है, एक स्प्रिंग है, एक विंटर है। एक में कम समय लगा, एक में ज्यादा, कम समय लगा यील्ड कम है, ज्यादा लगा यील्ड ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को कम समय में बदल कर यील्ड ज्यादा ले लें, दिस इज वन लेस प्रोसेस। हाँ, वैरायटी तो वही, जीनोटाइप उसका वही है, केवल हमें वो फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर फिर दें वो देते हैं। अब इसे पढ़ो फिर उसके बाद समझ में आ जाएगी सारी बातें। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली आर क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। क्वालिटी और क्वांटिटी, दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज वर्नेशन। इसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहा जाता है बेटा, वर्नेशन को बेटा। इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। प्रीकॉशियस माने पहले, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड एनेबल द प्लांट टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। इसके लिए इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट रोक देता है, पहले नहीं होगा, देर से होगा उस ग्रोइंग सीजन में। एंड एनेबल द प्लांट टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। वनलेशन रिफर्स, वनलेशन बोलो रिफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाई ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। पहले डेवलपमेंट तो देर से तो हो ही रहा है, हमने दिया थोड़ी नहीं, अभी देंगे बाद में, देने से हो जाए। पहले डेवलपमेंट रोक देता है ना। वन लाइसन रिफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाई ए सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट्स, वीट, बार्ले, राई। हाईलाइट कर लेना बेटा, वीट, बार्ले और राई। इनमें कितनी वैरायटी है, दो, विंटर और स्प्रिंग। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, तीन एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एक दो तीन, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है, जो यहाँ थ्योरी है वही यहाँ लिखा है। ये जो वैसे लिखना, स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी, विंटर वैरायटी, बाइनुअल को एनुअल में बदला। कैसे, ध्यान से सुनना, ये सुनना क्या लिखा, द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। स्प्रिंग वैरायटी को बोलो बेटा, स्प्रिंग में बो दिया, जनवरी में बो दिया और काट लिया, प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन के खत्म होने से पहले मिल गया। इसमें यह नहीं लिखा इसकी यील्ड कम है, कोई बात नहीं, हमने आपको बताया। दूसरा क्या लिखा, विंटर वैरायटी हाउ एवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग, अगर उसको स्प्रिंग में बो दिया, कहीं विंटर को स्प्रिंग बो दिया,
तब क्या है, मौता है, समझ गए? आप समझो पूरा लिखा क्या है, विंटर राइटिंग, हाउ एवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर या प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन द स्पैन ऑफ द ग्रोइंग सीजन, नहीं करेगा. हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसलिए अक्टूबर में बोते हैं. ठीक, उसे यहां बोएंगे ऑटम, यहां फ्लावरिंग करेंगे. तुमने समझा दिया, यहां तक जाना पड़ेगा. जब भैया उस सीजन फ्लावरिंग नहीं किया तुम क्या लगा रहे देख पेड़ उखाड़ फेंक देंगे या इंतजार करेंगे उतना, वो करेंगे नहीं, खेत हमारा है. तो विंटर वाइटिंग स्प्रिंग बोना नहीं है, ऑटम में बोना. प्लांटेड इन ऑटम दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल स्प्रिंग, विंटर में छोटे बीज तरह निकल आया, अंकुरित हो चुका है. 6 इंच का पौधा है, 8 इंच का पौधा है, स्मॉल सीडलिंग. ध्यान से सुनिएगा, विंटर तक रहेगा ये, और सर्दी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है, ग्रोथ है ही नहीं. सुबह शाम देखो तो पौधा बढ़ ही नहीं रहा. कब अटेंड करेगा फिर से मैच्योरिटी, स्प्रिंग आने पर. वही लिखा है, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग सीजन. अक्टूबर में आपने बो दिया, नवंबर दिसंबर प्लांट ग्रो किया, लो टेम्परेचर मिला, ग्रोथ उसकी हुई नहीं, वहीं का वहीं रुक गया. अक्टूबर में बो दिया, नवंबर तक 6 इंच का हो गया, दिसंबर जनवरी वैसे ही पड़ा हुआ है 2 महीने कम से कम. उसी जगह उसने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट पा लिया जनवरी फिर. ये विंटर वैरायटी को बो गया कर विंटर में, ऑटम में तो ईड मिल जाएगी मई में, लेकिन ये बाइनुअल हो गया ना, इसको करना क्या है एनुअल. तो बीज को आप मॉइस्ट करके कर दो. ये तो आपको वो बताया जा रहा जो एक्चुअली है भैया, हम एक्चुअली की बात कर रहे हैं. बोलो, ये एनुअल, ये बाइनुअल. तो इसने अपना विंटर वैरायटी का काम किया ना खेत में ही, समय ज्यादा लगा ही नहीं लगा इन काम, तो ठीक है. इन विंटर वाले यहां बोते तो काम ना होता, विंटर बोए तो यहां काम हो गया. इसमें अब हम उस प्लांट उस विंटर को चाहते हैं कि खेत में 8 महीने ना रहे, 4 महीने रहे, तो क्या करेंगे, तब उसका आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट करेंगे. ये तो दोनों जो बताई जो लिखे हो तो नेचुरल कंडीशन लिख रहा है ना. ठीक, क्या रहा बेटा, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड द हार्वेस्टेड इजुअली अराउंड द मिड समर में हम हार्वेस्ट कर लेते. तो यहां जो लिखा गया, बाइनुअल प्लांट ने खेत में ज्यादा समय दिया, एनुअल ने कम समय दिया, स्प्रिंग ने कम समय दिया कम उपज हुई, विंटर ने ज्यादा समय दिया ज्यादा उपज हुई. तो हम चाहते हैं उस ड्यूरेशन में हम क्या लगा लें, आलू लगा लें, तो आलू के बाद गेहूं बोते तो कैसा रहेगा, तो फिर आपको उसे एनुअल बनाना पड़ेगा. अब है बस यही तो है. अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नेशन इज सीन इन द बाइनियल प्लांट. बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक दैट आर नॉर्मली फ्लावर्स एंड डाई इन द सेकेंड सीजन. बाइनियल प्लांट समझ गया ना, सुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर द सम ऑफ द कॉमन बाइनियल. जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम खाए जाते सब बाइनुअल हैं बेटा, जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम सब बाइनुअल. सुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर द सम ऑफ द कॉमन बाइनुअल. सब्जेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए बाइनुअल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग प्लांट. हमने बताया कि कैसे दे सकते हैं, क्या बाइनुअल्स विंटर वैरायटी को एनुअल स्प्रिंग में बदला जा सकता है,
यस थ्रू गिविंग लो टेम्परेचर। बस ये चार पॉइंट्स आपके हैं। तो प्रोसेस में क्या करते हैं, विंटर को पहले क्या देते हैं बेटा, मॉइस्चर, एक से दो दिन के लिए लो टेम्परेचर है ना, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा लंबा खेल नहीं है, बस क्या देंगे, मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर। सीड प्लस मॉइस्चर प्लस लो टेम्परेचर, ये ट्रीटमेंट। इससे भी लो पर हो सकता है, लेकिन जनरली ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, और बाकी लंबी चीज बतानी नहीं, इतना बहुत है इसके लिए। किसे समझ में आ गया भाई, तो इसे कितने पॉइंट पढ़ोगे, चार। पहला क्या लिखा था बोलो, स्प्रिंग वैरायटी, दूसरा विंटर वैरायटी को जनवरी वापस वही तो आएगा, तीसरा विंटर को ऑटम में बोएगा, और चौथा ये सीड डाल। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, ऑल एनुअल्स हैं, ऑल बायनियल हैं, फ्यू जैसे बैम्बू। There are certain seed which fail. Seed dormancy किसे कहते हैं? चलो इसे पढ़ो बेटा पहले। Seed dormancy किसे कहते हैं? देखो, ध्यान से देखिएगा। Plant है, flower है, fruit बनेगा, seed बनेगा, जमीन पे गिरेगा, condition suitable है, जर्मिनेट हो जाएगा, ये नॉर्मल फिनोमिना है, कुछ नहीं कहा जाता। प्लांट है, फ्लावर बना, सीड बना, और सीड चाहता है रेस्टिंग पीरियड, हम जर्मिनेट नहीं करेंगे, कंडीशन कैसे है सुटेबल, सुटेबल कंडीशन होने के बावजूद भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं करता है, सीड जर्मिनेशन क्यों नहीं करते हो भैया, कैन मेरी हार्ड सीड कोट है, अभी अंदर पानी जा ही नहीं पा रहा है, हार्ड सीड कोट है, अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है, समस्या। दूसरा, केमिकल इन्विटर है हमारे पास, एबसिसिक एसिड हमारे सीड में है, फिनोलिक एसिड है, पैरास्कॉर्बिक एसिड है, ये केमिकल्स हैं जो सेल डिवीजन को रोके पड़े हैं, हम जर्मिनेट नहीं होंगे। या तीसरी चीज, जो हम गिर तो गए नीचे, अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, मतलब सीड धरती पर आ तो गया, लेकिन अभी मेच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर एम्ब्रियो है। कोचिंग तो पढ़ी लेकिन आधी छोड़ दी, पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं, पढ़ तो लेते एक बार पूरा, सिलेक्शन होना ना होना बात अलग, क्यों 70% पढ़ोगे अगली बार रिपीटर कहलाओगे, तो 30 तो गायब ही रहेगा ना, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं है, इन काकादियों में रिपीटर बैच में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कि हमने एक साल पढ़ लिया है, जब पढ़ाया जाता है तो पहली बार देख रहे हैं, अब क्या करें सर जी, कुछ नहीं, तुम तो एक साल रिपीटर हो चुके हो, बड़ी कसम कश में देखो, कोचिंग में इतने बड़े बड़े बैच होते हैं, कोई ध्यान देता नहीं है, अब बेचारा परेशान रहता,
बर्बाद हो गया। कोई इंडिविजुअली देखने वाला नहीं है, गार्जियन परेशान दूर बैठे हैं कैसे शहर में। अब बच्चा मम्मी पापा कहते हैं ठीक बेटा तुम जो भी चाहो कर लो, दूसरी कोचिंग जाता तुम्हारा क्या सिलेबस चल रहा है, मेरा ये है, उनका भी वही ढल रहा है, इंडिविजुअली देख नहीं पा रहा है, तो 5-7 चैप्टर उसके 5-7 साल तक नहीं पूरे हो पाते। क्यों? अगले साल एडमिशन जुलाई में लेगा नहीं, रिजल्ट आ जाए, ये आ जाए, 3 महीने हो गए, तब तक सारी कोचिंग बैच शुरू हो चुके थे। 3 महीने 3 चैप्टर गए फिजिक्स के, 2 चैप्टर गए केमिस्ट्री के, 12 चैप्टर चले गए बायोलॉजी के जन्म से। अब क्या करें? क्यों इतना हो जाता है ऐसा? ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिरी तक पढ़ो, लेकिन आखिरी तक पढ़ने के लिए मन भी तो लगना चाहिए तरंग ना, ये भी होता ना आखिरी तक। मैंने व्यवस्था कब बनाई थी आपको तो आज चीज बताता हूँ। अभी आज स्ट्रेटजी, बच्चे होते हैं मंथली फीस देते थे, पहले इंटरमीडिएट पढ़ाते थे तो आखिरी में मार्च में पेपर होते थे, तो बच्चे दिसंबर से जाना खत्म छोड़ देते थे, 1 महीने फीस बच जाएगी। ये सच बता रहे हम? अरे यार हो गया तो एक पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर तो बचे, ठीक कोई बात नहीं, मेरा तो नुकसान हो ही जाएगा, मेरा तो नुकसान हो ही गया और उधर बच्चे को नुकसान हो गया, उसने पढ़ा नहीं, दोनों बातें। तो हमने फिर अनाउंस कर दिया कि एडमिशन जब भी लो फीस जनवरी तक ही लेंगे, फरवरी पढ़ाएंगे, मार्च पढ़ाएंगे, चाहे जो भी वो फ्री पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, बच्चे ने फीस दिया, उसे देना ही है जनवरी तक। अब अगर सिलेबस हमारा फरवरी भी जा रहा है तो भी तुम फ्री पढ़ोगे, तो उसके मन में ये नहीं आएगा हम सिलेबस छोड़कर जाएंगे, वो पूरा पढ़ के जाता था तो आप अच्छे से नंबर आ जाते हर साल वही। हमने कहा बच्चों का नुकसान हो रहा है इस समय, तो बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, मार्च में पेपर हो चाहे अप्रैल में हो तो भाई फीस जनवरी तक ही देंगे, हम एग्जाम तक पढ़ाएंगे आपको, मेरा भी फायदा बच्चों का भी फायदा। बनाना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, हमारा क्या नुकसान। अब 4 बच्चे गए, 20 बच्चे बैठे, यार 10 लोग नहीं आ रहे, क्यों? पूछा क्यों नहीं आ रहे? अरे 2 चैप्टर बच्चे हैं यार, देख लेंगे हम, ठीक कोई बात नहीं, मतलब 20 चैप्टर या 18 पढ़ ही आए हो, 2 चैप्टर के लिए आपने घर बैठ गए, रिवीजन का भी समय मान लिया उस समय, वो भी तुमको नहीं मिला, कुछ इंपॉर्टेंट बात वो एकेडमिक केवल पढ़ाते थे, 11th 12th BSc MSc तब की बात कर रहे। तो आपको कई बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना रहता है। चुकाता हूँ तो बहुत ही कुछ होता है, जिस आधे में समझ माना बंद हो गई हम क्या करें, किसी कोचिंग जाओ कोई पढ़ाने वाला। और जो टीचर नए हैं मेहनत कर रहे हैं वहाँ तो हम जाते नहीं हैं, वहाँ कहे 5 बच्चे हैं हम वहाँ तुम्हारे नहीं पढ़ेंगे, 500 वाले में पढ़ेंगे, 500 वाला क्यों पढ़ाएगा तुमको, 5-10 वाला बहुत मेहनत चाहता है, आप पढ़ना नहीं चाहते उससे, बहुत मेहनत कर रहे हो, सही बता रहे हैं आपको, पढ़ना चाहते। बैच भी 500 का चाहते हो कि बच्चा बैठा हो, सर्विस कैसे पूरा करेगा, वो थोड़ी ध्यान देता है। ये सब हम बच्चों को समझाते रहते हैं, जब जब समझ में आ जाए उनको, जिस साल समझ में आते हैं उससे लट हो जाते हैं, नहीं आते तो चलता रहता है। तो इसमें क्या चाहिए बेटा, सीड डॉर्मेंट क्यों हुआ, कितने कारण, 3। पहला क्या, हार्ड सीड कोट है, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू ऑक्सीजन, सीड कोट के अंदर जा ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है, केमिकल इनहिबिटर बन के आ गए हैं, वो सेल डिवीजन को प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। नंबर तीसरा क्या हुआ बेटा, इमेच्योर एम्ब्रियो है, तो जर्मेंट मिसाल तो सीड डॉर्मेंट। अब सीड बने कंडीशन अनसुटेबल हो तो जर्मिनेट नहीं होगा, वो क्वेश्चंस कहलाते हैं। 3 कंडीशंस,
सीट डार्विन से मुख्य रूप से पूछा जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई टर्म दी नहीं गई है, और ये सीट डार्विन से क्वेश्चन तो इसी के बारे में लिखा गया है, इसी को पॉइंट में लिखा है। ठीक, कहाँ हमें क्या पता, तो पढ़े तो बताएंगे मम्मी क्यों लिखा। सीड इटसेल्फ, तो मम्मी ने अब देखें क्या उस समय क्या बोला था, क्या बताया, हमें क्या पता, ऐसे लड़ा थोड़ी खराब बात, हम कभी रटते ही नहीं हमने क्या लिखा था क्या नहीं। तो वो एक देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, ये वाली बात। सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी इनएक्टिवनेस विच इज कंट्रोल्ड नॉट बाई एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट आर अंडर इंडिजिनस कंट्रोल आर कंडीशन विद इन द सीड इटसेल्फ। समझे, उनका अपना है, बाहर से कोई फैक्टर है तो वो चीज यहां दिखे थे। इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट है। इम्परमेबल किसके लिए है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों के लिए। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है। और तीसरा क्या है, इमेच्योर एम्ब्रियो आर सम ऑफ द रीजन जिससे डॉर्मेंसी आती है। दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मींस एंड वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स से हम इसे बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीड कोट बैरियर इज सम सीड्स आर ब्रोकन बाई मैकेनिकल एब्रेशन। हाउ टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, नेचुरल मेथड कौन सा है, माइक्रोबियल एक्शन या पैसेज थ्रो GIT, मैकेनिकल माइक्रोबियल एक्शन। मतलब नेचुरल मेथड कौन सा है जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, माइक्रोबियल एक्शन, यानी माइक्रोब्स बैक्टीरिया के मतलब सीड के चीजों को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, हार्ड सीड को वो कमजोर कर देते हैं। सीड मिट्टी में पड़ा, हार्ड सीड कोट है, इम्परमेबल टू वाटर एंड ऑक्सीजन है, वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, मिट्टी में पड़ा पड़ा, माइक्रोबियल एक्शन होंगे, सीड कोट को तोड़ देंगे, डिजनरेट कर देंगे, एम्ब्रियो निकल आएगा। तो नेचुरल मेथड में माइक्रोबियल एक्शन है एक, या पैसेज थ्रू GIT। आप देखा किसी दीवार पर बर्गर का पेड़, पीपल का पेड़, क्यों, वहां चिड़िया हाग आती है। अरे सही है, लो हंस रहे हैं, ऐसे ही हंसी लगाई जाती है बस। अब चिड़िया जब बरगद के या पीपल के फल को खाती, बीज खाती है, तो उसके इंटेस्टाइन में एसिड होती है, एलिमेंट कैनाल में एसिड होती है, वो उसको क्या करती है, नेचुरली डिकम्पोज कर देती है हार्डनेस को। तो चिड़िया वहाँ बैठी, फीकर मेटोस ने किया, वहीं पर अंकुरित हो गया, तो पतला बीज, कोई पुरानी दीवाले देखो इमारतें देखो, तो वो है पैसेज थ्रू GIT इन बर्ड्स बाई कसम पीपल बर्गर जैसा। मैन मेड मेथड क्या है, एब्रेशन, धनिया किसी ने बोई है, कैसे बोते हैं, बीज को तोड़ देते हैं ना, यही तो बात हो गई ना, तोड़ते क्यों है, क्योंकि जर्मिनेशन के चांस नहीं रहते हैं बिना टूटे, क्योंकि एक गोल दाने में दो बीज होते हैं, तोड़ दिया दोनों अलग हो गए, तो मैकेनिकल एब्रेशन है। चिलिंग ट्रीटमेंट ठंडा करके भी करते हैं, या केमिकल देते हैं जिब्रेलिक एसिड या नाइट्रेट, चेंज इन एनवायरमेंटल लाइट एंड टेम्परेचर, ये है हमारे क्या चीज, हाउ टू ब्रेक डॉर्मेंसी, यहाँ पर है नेचुरल मीन्स है, मैन मेड मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, सीड कोट बैरियर इन द सम सीड कैन बी ब्रोकन बाई मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग नाइफ, सैंड पेपर से, या विगर शेकिंग
In nature, these abrasions are caused by microbial actions, passes through the digestive tract of animals. Effect of inhibitor substance can be removed by subjecting the seed to chilling condition या by applying of certain chemical, gibberellic acid दे सकते हैं, nitrate दे सकते हैं. Environmental condition बदल जाए, such as light and temperature are another method to overcome seed dormancy. डॉर्मेंट सीड को हम एक्टिव कर सकते हैं मेथड है. इन पर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है एक, तो इसका भी पेपर एक क्वेश्चन बनेगा. ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट. कौन सा चैप्टर हो गया? कई दिन लगे? चार दिन? कितने दिन लगे इसे? तीन दिन. चलो तब भी ठीक है, हो गया.